हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। बैठे आज हम नई वाली वरना में, और वरना का वैसे देखा जाए तो बहुत सारे खास फीचर है, बहुत सारे फीचर है। एक तो ये इसका स्टेयरिंग उल्टा है कि सीधा है, समझ में भी नहीं आता है। वैसे स्टेयरिंग का डिज़ाइन भी कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि टू स्पोक है, लेकिन भाई फिलहाल वेट एंड वॉच। वैसे अगर बात की जाए इसके इंफोटेनमेंट की, ये है 10.25 का इंफोटेनमेंट। सबसे ज़्यादा खास इसमें फीचर मिलता है, जैसे इसको अगर हम यहीं से क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं और इसी को बटन दबा देंगे तो यही बन जाएगा हमारे ऑडियो का सेटअप। अब भाई बात करते हैं इसको इंफोटेनमेंट की। इंफोटेनमेंट में इसके बहुत सारे सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो भी है, एप्पल कारप्ले है वगैरह, सब कुछ आपको सिस्टम इसके अंदर मिल रहा है, कैरी कर रहा है। अब पीछे वाले का कस्टम, अगर पीछे वाला कोई बैठा है बंदा, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो उसकी भी वार्निंग हमको यहाँ देखने को मिल रही है। गाड़ी में कंप्लीट एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है, जिसको कलर भी चेंज होता है, और दरवाजा लगाने के बाद एक यहाँ पे भी हल्के हल्के ब्लू लाइट जलते हैं, जिसमें अभी समझ में उतना नहीं आ रही है। भाई बात की जाए इसमें तो इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है। फीचर्स के मामले में बात की जाए तो भाई Hyundai ने भर भर के फीचर्स दिए। ये है उसके कुछ कैमरा के फीचर्स, जिसमें आपको ब्राइटनेस, डे लाइट वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने मिल रहा है। जैसे हमारे भैया पीछे खड़े, ये देखो उन्होंने बूट स्पेस खोला तो भाई कैमरा पूरा ऊपर हो गया। वेंटिलेटेड सीट्स के इसमें ऑप्शंस मिल जा रहे हैं आपको, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जा रहा है। अब भाई